छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार ने आंगनबाड़ी की शुरुआत की है, जहां 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पोषण आहार के उचित व्यवस्था और सलाह दी जाती है। आंगनबाड़ी में जो पोषक आहार मिल रहा है उसमें कीड़े नजर आ रहे हैं। नेहरू कॉलोनी वार्ड नंबर 57 में रहने वाले रोहित शर्मा ने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आरोप लगाया कि जो पोषक आहार आंगनबाड़ी केंद्र में मिल रहा है वह बहुत पुराना है, इससे बच्चों और भी ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कराना चाहिए, ऐसा गंदा पोषक आहार लोगों को दे रहे हैं। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि जैसा राशन ऊपर से आ रहा है वैसा राशन हम लोगों को बांट रहे हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी लगभग 3 से 4 महीने तक जच्चा बच्चा को कोई राशन नहीं दिया गया, उसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्यों नहीं दिया गया, किस लिए दिया गया। और अगर वो नहीं दिया गया तो पिछला 3 महीने का रुका हुआ राशन देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ऊपर से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो उस पोहे को अगर मैं ना देखता, मैं डायरेक्ट उसको कढ़ाई में डाल देता तो उससे क्या दिक्कत हो सकती थी, बच्चे को दिक्कत हो सकती थी, बच्चा खाता और वाइफ मेरी अभी प्रेग्नेंट है उनको भी दिक्कत हो सकती थी। जब हमने पता ही नहीं है किससे हुई, अब जो क्या पता संस्था से हुई कहाँ से हुई, ये तो अब हम नहीं बता सकते। हम तो यही बता सकते कि हमारे भी ये राशन है, हमने आपको बता दिया, बस जैसे पहुंचा हमने ऐसे दे दिया।